नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट वेदास में। आज हम कुछ टाटा स्टील का एनालिसिस करेंगे। टाटा स्टील में एक हमने पहले वीडियो बनाया था कि ये जो ब्रेकआउट है, ये रेजिस्टेंस होकर ब्रेकआउट कर देता है, अच्छा टारगेट हमने को देखने को मिल सकता है। और देख लीजिए, टारगेट तो बहुत अच्छा अच्छा मिला, 150 भी क्रॉस कर दिया है। मगर क्या है, आज एक ना न्यूज़ आ गया और न्यूज़ में बता दिया गया कि अभी ये जो मेटल स्टॉक हैं जितने भी, वो बहुत ही ज़्यादा अब ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा चल चुके हैं। देखिए यहाँ पे वही 120 से ब्रेकआउट कर कर अब 150 तक अपसाइड देखने को मिल चुका है। तो इनका ये कहना है कि अभी इसमें करेक्शन चालू होगा और ये करेक्शन काफ़ी टाइम तक थोड़ा चल सकता है। तो इसमें से मान लीजिए 20% तक का डाउन साइड देखने को मिल सकता है, ऐसा रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है। तो आज जैसे रिपोर्ट आया वैसे ही ना इसमें डाउन साइड देखने को मिला, इनके मार्केट क्लोज होते होते ना थोड़ा सा इसमें अपसाइड होने की कोशिश किया, मतलब जितने सेलिंग हुआ था तो थोड़ा उसमें दबाव कर अपसाइड लेके गया, इसलिए कैंडल ना आज ऐसा बना हुआ। अभी इसमें क्या है, आज मार्केट क्लोज होते होते भी ना 40,000 शेयर्स जो है ना 153.10 पे रखा गया, मतलब कि मार्केट क्लोज होते भी 40,000 क्वांटिटी सेलर पोजिशन बना हुआ है। तो जब कल मार्केट खुलेगा ना तो पहले इतने लोग तो पहले बेचेंगे, तो एक तो पहले से कल दबाव देखने को मिल जाएगा। दूसरा है, आज की जो वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम जो था वो 6,75,00,000 शेयर्स की थी, जिसमें 2,24,00,000 शेयर्स की डिलीवरी हुई है, मतलब 33% है। वॉल्यूम अभी अच्छा है, जब तक इसमें वॉल्यूम है तब तक इसमें थोड़ा सा एक लग सकता है कि 1.47 को ना टच कर फिर दोबारा रिवर्सल कर सकता है। अगर वॉल्यूम इसमें कम हो गया, जो टोटल वॉल्यूम डे की होती है, अगर कम हो गया ना तो फिर दबाव हमको बहुत ही जल्दी 140 तक का देखने को मिल सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, भाई साहब कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।